हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रतीक लाइट्स यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था प्लेबैक कैसे बनाने, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पैलेट कैसे बनाने, उसमें इफेक्ट कैसे डालने। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऑन करूँगा अपने मिनी पल को। यहाँ पे हमने उठाए तीन फेडर, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने ये तीन आपको बना के दिखाए थे। फर्स्ट में हमारा था स्टेबल, सेकेंड में सर्कल, थर्ड में पैन सॉ। ये सब का स्पीड वगैरह आप एडिट कैसे कर सकते हो लास्ट वीडियो में आपने देखा। अब यहाँ से भी उठा सकते हो। अब एग्जांपल मैंने स्टेबल वाला ऑन किया। इसके बाद मुझे फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में करना है ऐड कलर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले शार्पी को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद जाऊँगा कलर सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं कलर उठाऊँगा, इसे आप देख पा रहे हो कलर चेंज हो रहा है। मैं थोड़ा डिमर बढ़ा देता हूँ सही से दिखने के लिए। ये वाले कलर को ऐड करने के लिए हमें फिर से जाना है क्यू पैरामीटर में, और ये जो ब्लिंक हो रहा है ना प्लेबैक में नहीं, हमें पैलेट में सेव करना है। तो उसके लिए मैं फर्स्ट में नहीं सेव करता, फर्स्ट में मैं वाइट सेव करूंगा, सेकंड में मैं येलो को सेव करता हूँ। अभी जो येलो कलर है सेकंड में सेव हो गया। अभी हम और एक कलर चेंज करके देखते हैं। ये वाले कलर को हम करेंगे थर्ड में सेव, इसके लिए जाना है क्यू पैरामीटर, थर्ड में सेव हो गया। अब एक लास्ट कलर सेव करते, दिस वन। इसके लिए फिर से जाना पड़ेगा यहाँ पे, इसको मैं करूँगा फोर्थ में सेव, इसको फिर से करूँगा क्लियर एग्जिट। अभी देखो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चालू है। यहाँ पे हमने किया येलो, पिंक, ठीक है। अभी इसको फिर से वाइट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वाइट कलर ऐड करूँगा। उसके लिए मैं जाऊँगा दोनों शार्पी ऑन करने। यहाँ पे आऊँगा कलर पे, इसको रखूँगा ज़ीरो, क्यू पैरामीटर, पैलेट वन। देखो यहाँ पे हो गया हमारा कलर सेव वाइट, डन। अब इसके बाद प्रोसेस करते हैं हम स्ट्रोब डालने की। तो उसके लिए फिर से वाइट रख के मैं जाता हूँ दोनों शार्पी को ऑन करने। तो यहाँ पे हम आते हैं आयरिश शटर पे, शटर यानी कि स्ट्रोब। तो मोस्टली ये शार्पी का स्ट्रोब मैं 197-198 के आसपास रखता हूँ। अभी फिलहाल हम रखते हैं 197। तो इसको ऐड करने के लिए मैं क्यू पैरामीटर, पैलेट 10, और इसको ऑफ करने के लिए शटर फुल करके क्यू पैरामीटर, पैलेट 10 9। देखो अभी ये शटर में हम कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया ऑफ, फिर से वाइट ऐसे। अभी यहाँ पे लास्ट में आपको ऐड करके दिखाता हूँ एक प्रिज्म, छोटा प्रिज्म। उसके लिए फिर से मैं दोनों शार्पी को किया ऑन। यहाँ पे डिमर मैंने थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो गोबो वाला सेक्शन है, मैं यहाँ से नहीं, मैं इसमें छोटा वाला प्रिज्म जो सेकेंड बैंक में उसमें जाता हूँ, उसमें प्रिज्म का ऑप्शन है, उसको कर देता हूँ फुल, और प्रिज्म रोटेशन को ऑन कर देता हूँ। अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा तो अपना प्रिज्म चालू है, अपना प्रिज्म रोटेट हो रहा है। अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा तो हमारा प्रिज्म रोटेट हो रहा है। तो इसको मैं सेव करूँगा 8 नंबर पे। उसके लिए क्यू पैरामीटर 8 नंबर। अगर आपको फिर से प्रिज्म को ऑफ करना है तो फिर से प्रिज्म ऑप्शन में जाना है, प्रिज्म रोटेशन को ऑफ करना है, इसको हमें करना है 7 नंबर पे सेव। अभी देखो यहाँ पे हमारा शार्पी है ऑन, इसमें मैंने ऐड किया प्रिज्म, ये हो गया ऑफ। प्रिज्म में अगर हमें स्ट्रोब डालने तो हम स्ट्रोब भी डाल सकते हैं। स्ट्रोब ऑफ करना है, ऑफ किया, यहाँ पे मैंने प्रिज्म ऑफ किया, प्रिज्म ऑन। प्रिज्म में हम कलर भी ऐड कर सकते हैं।
तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा रनिंग कैसे होती है शार्पी में, जैसे कि मैंने DMX 500 और पायलट 2000 में भी आपको रनिंग सिखाई थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लोग नए हैं जाके देख लेना। तब तक आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।